तालिबान का के बड़े नेता मुल्ला बरादर काबुल लौट चुके हैं। वहीं आज तालिबान के सबसे बड़े नेता के भी अफगानिस्तान पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। यानी तालिबान के खतरे को देखते हुए अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को भी वापस लाने का प्रयास शुरू हो चुका है। कल 150 भारतीय वापस लौट गए थे। वहीं अब धीरे धीरे तालिबान का असली चेहरा सामने आ रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान के सरकारी टीवी चैनलों में महिला एंकरों पर बैन लगा दिया, तो आप ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। बहुत तेजी के साथ बदलते हालात को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी बैठक भी बुलाई है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद लगातार तालिबान दुनिया को यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो पहले वाला तालिबान नहीं, लेकिन एबीपी न्यूज लगातार दुनिया को यह आगाह कर रहा है कि अभी तालिबान जो भी कर रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है। एबीपी न्यूज की खबर अब सही भी साबित हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि अफगानिस्तान के सरकारी टीवी में काम कर रही महिला एंकर को हटा दिया गया है, उनकी जगह तालिबानी पुरुष एंकर ने ली। जिस महिला एंकर को हटाया गया उनका नाम खदीजा अमीन है। खुद खदीजा ने इस बात का खुलासा किया कि उन्हें अब एंकरिंग नहीं करने को कहा गया है। तो तालिबान का जो ये महिला विरोधी चेहरा है वो सामने आ चुका है। तालिबान ने महिला एंकर को हटाया, उसके बाद उन्होंने खुद क्या कहा देखिए जरा। मैं एक पत्रकार हूं और मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मैं अब क्या करूंगी। ये खदीजा अमीन जो टीवी एंकर है, उनका बयान, मौजूदा पीढ़ी के पास कुछ नहीं बचेगा, हमने 20 साल में जो भी हासिल किया वो गवा दिया है, तालिबान तालिबान ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और तालिबान का जो ये चेहरा नजर आ रहा है, इस पर विशेष जानकारी हमें प्रणय उपाध्याय देंगे, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन प्रणय, मैं आपके पास ही पहले आना चाहूंगा, और जो ये खबर आई कि महिला एंकर को वहां पर हटा दिया गया है, उन्हें एंकरिंग नहीं करने दी जा रही है, इससे एक बात तो साफ है कि ये तालिबान बदलने वाला नहीं है। भले ही तमाम बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, आदर्शवादी बातें कही जा रही हैं, लेकिन तालिबान का ये वही चेहरा नजर आ रहा है जो पहले लोग देखते रहे। देखिए, तालिबान की तरफ से अगर आप बयानों को देखें तो बयानों के अंदर राजनीतिक रूप से स्वाव बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जरूर गई हैं, लेकिन जमीन पर उसका इंप्लीमेंटेशन हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। चाहे हम हेरात की बात करें, कुंदूज की बात करें या बाल्ख की बात करें, इन तमाम इलाकों के अंदर भी जहाँ तालिबान ने काबुल से पहले कब्जा किया, उन तमाम इलाकों से भी इसी तरीके की खबरें आईं कि जमीन के ऊपर वो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। कल जबीउल्लाह मोहम्मद ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि महिलाएं समाज का हिस्सा हैं, उन्हें काम करने दिया जाएगा, लेकिन एक महिला एंकर से इंटरव्यू भी करवाया गया, लेकिन उसके बाद यह फैसला जो सामने आया, क्योंकि यह साफ बताता है कि जो शरिया कानून की बात कर रहा है तालिबान, जिस तरीके से नेशनल प्राइड की बात कर रहा है तालिबान, यह तमाम वो सारी चीजें हैं जिनके नाम पर महिलाओं के साथ में, महिलाओं को दबाव के साथ समाज के अंदर रखने की कोशिश पहले भी होती रही, एक बार फिर वही दौर शुरू हो रहा है। देखना यह होगा कि महिलाएं जिस तरीके से सड़क पर उतरी, जिस तरीके से महिला एंकर ने, महिला जर्नलिस्ट ने काबुल के अंदर प्रदर्शन किए, जिस तरीके से जिन महिला पत्रकारों से हमारी भी बातचीत हो रही है, वो भी ये बात कह रही है कि इस चीज को स्वीकार करना मुश्किल है। यह बदला हुआ अफगानिस्तान है, बीते 20 सालों के अंदर महिलाओं की स्थिति के अंदर काफी बदलाव आया है, तो इसको आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह बात भी है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने घर परिवार को लेकर काफी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और हर किसी को इस बात की आशंका सता रही है कि अगर तालिबान ने इसी तरीके से, अभी तो चीजें बाहर जा पा रही हैं, अभी तो मीडिया में खबरें भी आ पा रही हैं, इंटरनेट भी चल रहा है, लेकिन अगर यह बंद कर दिया गया सत्ता में आने के बाद, तो फिर किस तरीके से उनकी आवाज वो पहुंचा पाएंगे और एक दमन का चक्र कहीं शुरू न हो जाए, खासतौर पर उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रणय, मैं दोबारा आपके पास लौटूं, उससे पहले आशीष कुमार सिंह का भी रुख कर लेते हैं। आशीष, जो भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, उनकी वापसी के लिए किस तरीके का प्रयास हो रहा है, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, अब तो प्रधानमंत्री ने खुद, अखिलेश आपने कल शाम को देखा कि सीसीएस की अहम बैठक की, और उसमें यह इंस्ट्रक्शन खासतौर पर दिया है कि जो अफगान सिख्स फंसे हुए हैं, जो हिंदू फंसे हुए हैं, जिनको लेकर के बार बार विदेश मंत्री से ये निवेदन भी कर रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी, हरदीप सिंह पुरी, तमाम सिख नेता, कि इन लोगों को सेफली वहाँ से निकाला जाए, उसकी कोशिश जारी है। सिर्फ एक ही अड़चन है अखिलेश, वो है काबुल एयरपोर्ट को पूरी तरह से सिक्योर करने का। एक बार वो सिक्योर हो जाता है, संभव ऐसे संकेत मिले थे कि आज या कल काबुल का एयरपोर्ट पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा और उसके बाद कमर्शियल फ्लाइट से एक बार वहाँ जा सके, उतर सके, तो इन सभी लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाएगा। उसके लिए वॉर फुटिंग पे, मैं आपको बता रहा हूँ, कल की बैठक के बाद, प्रधानमंत्री के इंस्ट्रक्शंस के बाद,
वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है इन कोऑर्डिनेशन विद अमेरिका। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अपने काउंटर पार्ट से बात की, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अपने काउंटर पार्ट से बात की। एक बार काबुल एयरपोर्ट सिक्योर हो जाता है तो कमर्शियल फ्लाइट्स यहां पर पहले से तैनात हैं, और संभव है कि भारत सिर्फ एयर इंडिया का प्लेन नहीं, जरूरत पड़े तो कतर वगैरह से जो हमारे मित्र देश हैं वहां से भी उनके फ्लाइट्स भेज करके इन भारतीयों को जो वहां फंसे हैं उनको वापस जल्द से जल्द वापस ले आए। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष कुमार सिंह आपका और प्रणय उपाध्याय आपका भी धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। ABP News आपको रखे आगे।